So what's up everybody, this is Abhim Harbhajan, absolutely fine. So finally I bought a new phone that is Realme XT और अभी फिलहाल वैसे तो मैं उसी से शूट कर रहा हूँ, बट जो अनबॉक्सिंग की वीडियो थी वो मैंने पहले शूट कर ली थी, तो अभी मैं इंट्रो इसी कैमरे शूट कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए ये फ्रंट कैमरा इसका, और उसके बाद भी मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा दूंगा मतलब अनबॉक्सिंग के बाद। और सो वैसे आपको एक दो अपडेट्स और देने की, अभी फिलहाल मैं दिल्ली आ रखा हूँ, यानी कि मतलब तो दो चार दिन हो गए हैं रोहतक से आए, और अभी जितनी भी वीडियोस आने वाली है सारी यहीं पे यहीं से आएंगी, और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं शूट करने वाला हूँ, और तो भाई एक भी वीडियो मिस मत करना, ठीक है? तो अब चलते हैं फटाफट से फोन की ओर। सो गाइज ये रहा अपना फोन का बॉक्स, थोड़ा सा मैं आप तो देख सकते हो मैंने अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, सील टूटी हुई है, तो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये अपना जो मेन जिसमें यूजर मैनुअल और पेपर वर्क और कवर टाइप का होता है, ये वो रहा अपना, आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लो ये अपना कवर है रियलमी का, रियलमी XT का, और उसके बाद जो अपना मेन फोन है वो आप देख सकते हो ये रहा। तो भाई इस पर ऑलरेडी मैं थोड़ा सेटअप वेपर कर चुका हूँ, तो ये देख लो आप सब कुछ डन है, एक बार आपको बॉक्स कंटेंट चेक करवा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपनी डाटा केबल जो कि है फास्ट चार्जर, साथ में ये 3.0 वोल्ट चार्जर, एक बार ये और दिखाता हूँ, 20 वॉट्स की इसकी आउटपुट है, ये देख लो भाई वोल्ट चार्जर, और तो बस बढ़िया, काफ़ी मैंने नाम सुना है इस चार्जर के बारे में, काफ़ी अच्छा चार्जर है। और नीचे एक अपना वो है सिम ट्रे टूल। सो अभी दिखाता हूँ आपको फ़ोन ओवरऑल, तो मैंने थोड़ा सेटअप कर चुका है और फिंगरप्रिंट टाइप की छोटी मोटी चीज़ कर रहे हो सेटअप, आप देख सकते हो। सो जो फ़ोन का फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, फ़ोन काफ़ी लाइट है और पकड़ने में देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, पीछे से ये पूरा ग्लास फिनिश है, और रियली फ़ोन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और चीज़ें आपको कुछ फीचर्स अभी देखो, ज़्यादा कुछ तो मुझे पता भी नहीं है क्योंकि और फर्स्ट टाइम मैं रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, सो ज़्यादा कुछ मेरे को भी नहीं पता, तो एक दो दिन मैं इसको यूज़ करता हूँ ढंग से, और मेरी क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में वो मैं आपको बताऊँगा मेरे आने वाली वीडियो में पक्का। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं दिल्ली आ चुका हूँ, और अब बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आएंगी इन फ्यूचर, सो भाई देखते रहना, बने रहना सारी वीडियोज़ देखने के लिए। और साथ ही साथ एक छोटा सा रिव्यू भी दे दूंगा इस फ़ोन का मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में कि ये वर्थ है या नहीं। और जहाँ तक बात रही इसके कैमरे की, तो भाई कैमरा तो बहुत बढ़िया है, और मैंने ये फ़ोन 16,000 का लिया है फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन पे थोड़ा सा महंगा है ये, सो आप देख सकते हो जहाँ पे भी आपका लेना हो। और ये वेरिएंट का नाम है 4GB RAM and 64GB ROM, और पर्ल वाइट कलर आप देख सकते हो। सो गाइस आपको लेना है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हो, 16,000 का आपको मिल जाएगा, एंड फ़ोन सच में यार काफ़ी अच्छा है 16,000 के हिसाब से। सो चलो भाई एक बढ़िया सा रिव्यू आपको दे दूंगा मैं आने वाली वीडियोस में। सो ये जो आप सैंपल देख रहे हो ये रियलमी XT शूट किया गया आउटडोर कंडीशन में, और फर्स्ट इंप्रेशन में को इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, ये रियर कैमरा है। सो वही ये जो आप वीडियो सैंपल देख रहे हो ये है मेरे रियलमी XT के फ्रंट कैमरा से, और बैक कैमरा क्या आपने देख लिया है, ये फ्रंट कैमरा का अभी ये फिलहाल आउटडोर है और अभी ये अंदर, तो आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है अंदर भी बाहर भी। तो अभी आप देख लो मैं दोबारा से एक बार बाहर आ चुका हूँ, और मेरे को तो यार बहुत बढ़िया लग रही है क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन में, और एक बार आप भी आप कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को भी कैसी लगी इसकी क्वालिटी। सो दैट्स फॉर द वीडियो एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू एंजॉयड देन लाइक द वीडियो, और कमेंट करके बताना आपको इस फोन की क्वालिटी कैसी लगी। अभी मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके, और जितनी भी ये ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं सारे इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किए, मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज नहीं किया है। सो गाइस अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।